गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू जैम्स इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज़ शिवानी जनागल। टुडे विल टीच यू मैथ सब्जेक्ट स्टैंडर्ड फिफ्थ। लास्ट के वीडियो में मैंने कुछ सॉल्व किए थे, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जिसके अंदर वो रामू को मतलब चॉकलेट वाला है कि उसमें इतने शेयर की कितनी चॉकलेट दिशा ने, फिर वो टीनू मीनू वाला। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपको? दिनू वेजिटेबल फील्ड हैज़ 9 इक्वल पार्ट्स, यानी दिनू ने जो वेजिटेबल फील्ड है उसके कितना पार्ट किए हैं? 9। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ही ग्रोज वेजिटेबल इन इट, उसके अंदर क्या करता है वो वेजिटेबल ग्रो करता था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन इट बेसिस, आपको मतलब कुछ क्वेश्चंस गिवन है तो उसके आपको आंसर देने हैं इसकी फील्ड के आधार पर। ठीक है, तो टर्न योर पेज। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड, व्हाट पार्ट, यानी कौन सी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा है उस पार्ट उस फील्ड में और उसका पार्ट बताना है। तो देखो आपको इसमें सबसे ज़्यादा कौन दिखाई दे रहा है, अब देखो टमाटर, टोमेटो, देखो 1, 2, 3 थ्री पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कौन है? टोमेटो। तो आंसर क्या आएगा आपका, क्या आएगा? टोमेटो। कौन सी वेजिटेबल है? टोमेटो। ठीक है, विच वेजिटेबल ग्रोथ इन द बिगेस्ट पार्ट, टोमेटो वेजिटेबल ग्रोथ इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड, व्हाट पार्ट, द पार्ट कितना है? तो देखो कितना है टोमेटो का, 1, 2, 3 तो कितना पार्ट में है वो? 3। फिर टोटल पार्ट कितना है? 9। समझ में आया? क्योंकि टोमेटो के कितने फील्ड है, टोमेटो के कितने पार्ट में मतलब ग्रो किया? 3 पार्ट में। ठीक है, और टोटल पार्ट कितने उसके? 9। 9 में से 3 किसके पार्ट है? टोमेटो को। ठीक है, अब इसको कट करो 3 की टेबल से, 3 वंजा और 3 की टेबल से 9 कट होगा 3 टाइम। समझ में आया? नेक्स्ट, ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रोस पोटेटोस एंड ब्रिंजल्स, यानी कौन से पार्ट में, कौन क्या पार्ट है उसका, पोटेटो का और ब्रिंजल का आपको पार्ट बताना है। ठीक है, तो पोटेटो का पार्ट बताना और ब्रिंजल का पार्ट बताना ना आपको, उनको कौन सा पार्ट है। पोटेटो का, पोटेटोस का और फिर ब्रिंजल का। ठीक है, देखो पोटेटोस कितने पार्ट में हैं, पोटेटोस 1, 1 और 2 पार्ट में है ना, तो क्या आ जाएगा इधर 2/9। ठीक है, फिर ब्रिंजल, ब्रिंजल कितने पार्ट में है? 1, 2 ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, तो क्या आ जाएगा इधर 2/9। समझ में आया? पोटेटोस का कितना है 2/9 और ब्रिंजल का कितना है 2/9। फिर नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पिनच एंड चिलीज, यानी इसमें भी आपको बताना कि स्पिनच का कितना पार्ट है एंड चिलीज का कितना पार्ट है। तो स्पिनच का देखो कितना है, स्पिनच ये 1 पार्ट ही है स्पिनच, मोर का स्पिनच नहीं दिखाई, यानी 1 पार्ट में स्पिनच हुई है। तो स्पिनच का कितना है 1/9। फिर चिलीज का, चिलीज कितने में पार्ट में ग्रो हुई है? 1, ये भी ओनली फॉर 1 में ही है, तो इसका भी कितना आएगा 1/9। समझ में आया? सिर्फ पार्ट बताने को उनको कितने पार्ट में ग्रो हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स मोर इज द पार्ट ऑफ द पोटेटोज देन द पार्ट ऑफ स्पिनच, हाउ मेनी, ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कितना टाइम्स मोर इज द पार्ट ऑफ पोटेटोज, स्पिनच से कितना डबल है तो कितना टाइम्स है? तो आप देख सकते हो स्पिनच 1 टाइम है तो उसका क्या डबल है ना, ये तो 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 टाइम। आपको ऑनली फॉर इसमें कितना क्या लिखना है, 2 टाइम्स, फिर ये पूरी लाइन लिख देना, मोर इज द पार्ट द पोटेटोज देन द पार्ट ऑफ स्पिनच। ओके, समझ में आ गया?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल इज गिवन हियर, आंसर द क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिस। आपको प्राइस वेजिटेबल पोटेटोज की 15 पर केजी, टोमेटोज की इतनी है, लेडीज फिंगर कितनी है, कैबेज कितनी है, ऑनियन की इतनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, इजी है। सबसे पहले हाउ मच डज 2 kg ऑफ पोटेटोज कॉस्ट, इसमें 2 kg पोटेटोज की कॉस्ट फाइंड करनी है आपको। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डज 2 kg ऑफ पोटेटोज कॉस्ट, आपको 2 kg पोटेटोज की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो उससे पहले हमें 1 kg पोटेटोज की प्राइस पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसका पता करेंगे भी 2 kg की कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले 1 kg ऑफ पोटेटोज की प्राइस कितनी है, 15 rupees। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटेटोज 15 rupees, तो 1 kg की अगर पोटेटोज की प्राइस अगर 15 rupees, तो 2 kg पोटेटोज की प्राइस क्या होगी, उसका डबल ही होगा, 15 + 15 ऐसे 30 होगा, तो कॉस्ट ऑफ 2 kg पोटेटोज 15 × 2, तो 15 × 2 = 30, समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1/2 kg ऑफ टोमेटोज, 1/2 kg टोमेटोज की प्राइस क्या होगी, सबसे पहले 1 kg टोमेटोज की प्राइस कितनी दी रखी है, इसमें कितनी मेंशन है, 20, और अगर हाफ को तो 20 का हाफ क्या होगा, 10 ही होगा, कॉस्ट ऑफ 1/2 kg टोमेटोज, तो 1/2 × 20, क्योंकि 21 kg के, तो हाफ में मल्टीप्लाई 20, 2 × 1 = और 20 की टेबल में आ गया 10, आ गया 10 rupees। ठीक है, हाउ मच डज 1/2 kg ऑफ लेडीज फिंगर कॉस्ट, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 kg लेडीज फिंगर की कॉस्ट कितनी है, 18, अब कॉस्ट ऑफ 1 kg जगह क्या आएगा, 3/1 ऑफ लेडीज फिंगर की कॉस्ट क्या होगी, तो देखो 2 को पहले 3 से मिक्सड फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 3 = 6, 6 को ऊपर जो भी संख्या हो उसमें ऐड करना, 6 + 1 क्या हो गया, 7, 7/2 मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 kg लेडीज फिंगर कितना है, 18, तो इधर आ जाएगा 18, फिर हमने कटेशन की दोनों को, ठीक है, ऊपर ये आमने सामने कभी कट नहीं होता, हमेशा क्रॉस में ऊपर नीचे ही कट होता है, ये दोनों तो कट हो नहीं रहा है, ये दोनों कट हो रहा है, 2 × 2 = 1 और 18 9 times, ठीक है, 7 × 9 = 63, समझ में आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1/2 kg ऑफ कैबेज, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg की कैबेज की कॉस्ट कितनी उस टेबल में, 12, तो 1/2 की कितनी होगी, तो देखो 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करके 2 + 1 = 3, तो 3/2 × 12, 2 की टेबल में 1 time और ये 6 time, ठीक है, 2 की टेबल में 2 × 1 time आता है, और 12 कितनी टाइम्स आता है, 6 time, फिर 6 × 3 कितना हो गया, 18 rupees, समझ में आया। नेक्स्ट, हाउ मच डज 1/2 × 1 = 4 kg ऑफ ऑनियन कॉस्ट, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन, तो 1 kg ऑनियन की कॉस्ट कितनी है टेबल के अंदर, 16, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1/2 × 1 = 4 kg ऑनियन की क्या होगी, तो देखो 4 × 1 = 4, 4 + 1 = 5/4 × 16, ठीक है, तो 4 की टेबल में 4 1 time कट हुआ, 16 4 time कट हुआ, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 × 4 = 20 हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच डज 2 1/2 kg ऑफ लेडीज फिंगर कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg लेडीज फिंगर की कॉस्ट कितनी है, 18 rupees, तो 2 1/2 की कितनी होगी, 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5, 5/2, 5/2 मल्टीप्लाई 18, क्योंकि 1 की 18 है तो मल्टीप्लाई में आएगा, 2 की टेबल में ये कट हुआ 1 time और 18 कट हुआ 9 time, फिर 5 को मल्टीप्लाई किया 9 से 45, समझ में आया, इजी है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 3/4 kg ऑफ कैबेज एंड 1/3 kg ऑफ पोटेटोज, दोनों की कॉस्ट निकालनी है, पहले ये कितना है फिर इनको हमको ऐड करना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg कैबेज की कॉस्ट 12 rupees है, तो कॉस्ट ऑफ 4 3/4 kg कैबेज की क्या होगी, तो पहले 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 4 × 4 = 16, 16 में मुझे 3 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 19/4, जो नीचे होता है इसमें तो वो नीचे ही आएगा, जैसे इसमें नीचे 4 था तो इधर नीचे 4 आया, इसमें देखो नीचे 2 था तो इधर भी 2 आया, ठीक है, 19/4 मल्टीप्लाई 12, 4 की टेबल में 4 1 time कट हुआ, 4 की टेबल में 12 3 time कट हुआ, ठीक है, फिर 19 × 3 ऊपर क्या बचा, 19 × 3 19 × 3 = 57, 57 है ये, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1/3 kg पोटेटोज की, तो 1/3 और पोटेटोज 1 kg पोटेटोज की प्राइस क्या है, 15 rupees,
तो मल्टीप्लाई में आ गया 15 रुपीज़। अब 3 की टेबल में 3 वन टाइम कट हुआ, 15 फाइव टाइम कट हुआ, ठीक है। नीचे तो बचा 1, ऊपर का बचा 5 इंटू 1, क्या हो गया 5 आएगा। अब टोटल कॉस्ट बतानी है, यानी देखो केबीसी कितनी आई 57 और पोटेटो सी कितनी आई 5, तो 57 प्लस 5 कितना हो गया 62। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टोटल डू 2 1/4 के जी ऑफ टोमेटोज और 3 3/4 के जी ऑफ ऑनियंस एंड 1/5 के जी ऑफ पोटेटोज कॉस्ट, आपको ये बतानी है। तो क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 2/1 ऑफ 2 पार्ट 1/4 ऑफ टोमेटोज कितना होगा, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 8 प्लस 1 क्या हो गया 9, तो 9/4 मल्टीप्लाई 20, 4 की टेबल में 4 वन टाइम कटूगा और 20 फाइव टाइम कटूगा, तो 9 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 45। फिर कॉस्ट ऑफ 3/3/4 के जी ऑफ ऑनियंस, तो वही 4 3 12 12 3 15, 15/4 15/4 मल्टीप्लाई 16। फिर 4 की टेबल में 4 वन टाइम कट हुआ और 16 4 टाइम कट हुआ, 4 4 जा फिर 15 मल्टीप्लाई 4, यानी 15 4 जा कितना हो गया 60। इजी है। कॉस्ट ऑफ 1/5 के जी ऑफ पोटेटोज की प्राइस, तो 1/5 वन के जी पोटेटोज की प्राइस 15 रुपीज़ हो, तो 1/5 मल्टीप्लाई 15, 5 की टेबल में ये वन टाइम कट हुआ और 15 3 टाइम कट हुआ, ऊपर बचा 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 3 आ गया। अब टोटल कॉस्ट यानी इसकी 45 प्लस 60 प्लस 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 108। ओके आज मैंने ये पूरा हो गया अपना, ये एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो मैं कल के वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। आज आप सारा जो वर्क है वो अपनी वर्कबुक के अंदर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बाय, हैव अ गुड डे।